ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में देखोगे तो आप बिल्कुल ही डल था मार्केट, जिसमें आपका कोई मूवमेंट नहीं था। अगर आप रेंज में देखोगे तो फर्स्ट 15 मिनट्स में आपकी एक नेगेटिव थी। यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया था, एक टारगेट हिट हुआ था, उसके बाद अपना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिफोर SL मैंने निकलवा देता, मतलब पोर्ट, क्योंकि डे में आपका मूवमेंट ही नहीं दिख रहा था कहीं पे। ऑप्शन बाय का दिन नहीं था, और अननेसेसरी ऑप्शन बाइंग का आपको ये करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ऑप्शन बाइंग का जो अभी मैंने आपको बताया था लास्ट फ्राइडे से, आप देखोगे तो ऑप्शन बाइंग का इधर रिपोर्ट लगा देगा आपको एडिटर जो है, कि ऑप्शन बाइंग में हमारी क्या वो रहा है सिनेरियो। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो अपने को एक रेंज मिल गई है। ठीक है, यहाँ सिंपली इसमें कोई दिमाग लगाने का तो है नहीं कोई चीज़, है ना। अच्छा, कल मार्केट गैप डाउन भी खुल सकती है और गैप भी खुल सकती है, दोनों ही केस हो सकते हैं। अगर गैप दोनों ही केस में आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना, ठीक है, जो हमारी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। ठीक, अभी मैं इसकी बात करता हूँ तो अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप है, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो फिर अगेन आपका मूव इतना इंट्राडे में बचेगा नहीं, फिर वो आपका साइडवेज की तरफ मार्केट चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा अलग दिन क्यों है। अगर यहाँ पे आपका गैप अप खुलता है तो हम रिवर्सल को प्लान करते हैं, बिकॉज प्रीवियस डे के बाय आपके प्रॉफिट बुक करने आते हैं। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाती है फिर गैप अप खुलता है तो हम लोग बाइंग की साइड जाते हैं, बिकॉज ये आपका ट्रैप हो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका ना ही बायर है और ना ही सेलर, और ऑप्शन चेन पे भी आपको चलकर एनालिसिस करके दिखाऊंगा तो वहां पे भी आपको कोई समझ में कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो अगर आपका गैप अप खुलता है तो यहाँ का एरिया आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाइंग की साइड जाएंगे। गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे आपका कोई रेजिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ पे अपने लोग शॉर्ट की साइड जाएंगे, अदरवाइज क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी रखेंगे। अगर मान लो गैप अप खुलता है, हमने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लगाया और ऊपर चल रही है मार्केट, तो क्या होगा, हाफ क्वांटिटी। अगर ये गैप अप खुलता है और मार्केट नीचे आ रही तो भी नीचे आते हुए भी हाफ क्वांटिटी ही करेंगे, मतलब ओपनिंग रेंज में भी हाफ क्वांटिटी करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं आपके, 40,100, ठीक है, जो ऊपर का ब्रेकआउट लेवल है, और नीचे का आपका है 39,850 800 के आसपास का, तो ये नीचे के लेवल हो गए। ठीक है, अभी चलते हैं इसके ऑप्शन चेन में, देखते हैं ऑप्शन चेन में हुआ क्या है। यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, बेसिकली 11 लाख कॉल्स ऐड हुई हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 लाख पुट्स ऐड हुई हैं, मतलब थोड़ा सा बुलिश की साइड है क्योंकि पुट्स का क्वांटम ज़्यादा है, और ये दोनों ही राइटिंग ही है, और मतलब आपका अगर आप देखोगे दोनों के ही प्राइसेस आपके गिरे हैं। ठीक है ना, अगेन आपका अगर आप एक्सपायरी पे रेंज बना रहे हो तो क्या आ रही है, 203 214, 400 पॉइंट, 400 पॉइंट यहाँ पे, 400 पॉइंट यहाँ पे, शॉर्ट कवरिंग बड़ी वाली ट्रिगर होगी। लेट से मान लो 39,200 खुलता है, ठीक है, उसके बाद आपका कोई एक आपका थोड़ा सा वेट करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, 300 के ऊपर आपकी फिर शॉर्ट कवरिंग, 40,300 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, बिकॉज ये वाले कॉल्स आपकी ट्रैप हो जाएंगी। ठीक है, सेम चीज़ आपका अगर पुट साइड में जाता है तो 39,700 इसके नीचे मार्केट जाना शुरू होगी तो आपकी पुट साइड वाले लोग फंस जाएंगे, ये देख रहे हो, ये लोग आपके फिर फंसने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट में आपका मूव तो दिख रहा है कि मतलब किधर की साइड भी मूव आ सकता है, वो देखने वाला है। अभी यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते मूव कहाँ से है, क्यों, देखो जब भी क्लियर डायरेक्शन होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल डाटा बुलिश है बेरिश है। इस डेटा को देख के आप कहीं नहीं लगा सकते कि मार्केट में डेटा आपका बुलिश है या बेरिश है, एनी वेज, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो बुलिश की तरफ आपका देखेगा, बिकॉज क्वांटम ऑफ पुट्स आज एडिशन ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू कॉल्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी इनडिसाइसिव है। निफ्टी की ऑप्शन चेन और देख लेते हैं। ठीक है, लेवल्स मैंने आपको बता रखे हैं कि कहाँ पे क्या क्या है, निफ्टी के लेवल्स और मार्क करेंगे चार्ट पे। इसमें अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स थोड़े से कम हैं, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया किया था कि निफ्टी कैन बी बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाइज, लेकिन मार्केट खुला इतना गैप अप कि आपको ट्रेड नहीं मिला हो। ठीक है, 14 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 19 लाख, इधर कितने हैं, यहाँ पे भी आपका सेम चीज़ है, 20 लाख, 13, 10। ठीक, मतलब कॉल पुट राइटर्स दोनों ने ही कर रखा है ट्रैप मार्केट को ये। ठीक, आप देखोगे यहाँ के भी प्रीमियम गिरे हैं और यहाँ के भी प्रीमियम आपके गिरे हैं, दैट मीन्स आज मार्केट में टोटली स्ट्रेडल वालों का ऑप्शन सेलर का टिपिकल डे था। इस मार्केट में अगर अननेसेसरी ऑप्शन बायर ट्रेड लेगा तो ऑप्शन बायर को ऐसे होगा, हमने कहाँ ट्रेड लिया था, एक कोई वो बाय करी थी 254 के आसपास, ये 330 का 325 का हाई लगाया था इसने और हमने 290 के आसपास इसको निकाल दी थी। सेकंड ट्रेड हमने लिया था 260 के आसपास, आई थिंक बाय करा था कुछ, सॉरी 260 नहीं, टू कोई पुटिया कॉल थी वो 290 के आसपास बाय करी थी, इसको हम लोग 265 के आसपास निकल गए थे। तो जब दिन ही नहीं ऑप्शन बायर का तो अननेसेसरी ट्रेड में दे भी दूंगा तो आपका SL हिट होने की चांसेस ज्यादा है, बिकॉज मार्केट साइडवेज है ना, तो वो चीज़ है।
अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं, इसका भी इंडिसेसिव है और चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। सेम चीज़ अगर आप देखोगे, अच्छा निफ्टी ने गैप अप खुला, उसके बाद थोड़ा सा पेन दिखाया, यहीं पे आपका क्लोजिंग प्राइस है। बैंक निफ्टी में जो सुबह कॉल बाय करी थी उसके पीछे का लॉजिक यही था, जो सुबह यहाँ पे कहीं बाय करी थी आपका जो उसमें टारगेट भी लगा था उसका रीज़न यही था कि आपका सपोर्ट एरिया की तरह काम करता है, जब भी गैप अप खुलता है तो वो वापस का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे मार्केट ने यहीं पर आपका सपोर्ट लिया, ये कौन सा एरिया आ रहा है और दोबारा अगेन से इस पर डबल बॉटम बनाया, ये क्या एरिया बनना है, 17,120। आप शीट में देखना, शीट का अगर आप देखोगे तो शीट का आज का लेवल 17,120 ही मैंने मेंशन किया हुआ है सपोर्ट, एज अ सपोर्ट लेवल। ठीक है, यहाँ पे आप अगर बात करोगे तो आपको आपको मिल गया रेंज क्या है, नीचे के 17,100 मान लो, ऊपर का 17,200 मान लो। ठीक है, अब की ये जहाँ से भी रेंज का ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगी इसी तरीके से करेंगे, गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन में बाय करेंगे, गैप डाउन खुलता है यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन पे सेल करेंगे। ये सिंपल सा आपका ट्रेड लॉजिक है, क्योंकि कल गैप अप या गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं कि आपका पॉवेल का आज FOMC का वो होगा, आउटकम होगा किस साइड में है। जनरली डेटा ये चीज़ बता देता है कि किस साइड में मार्केट को जाना है, लेकिन आज के दिन का डेटा जो है वो नहीं बता पा रहा है कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। हम एक बुल कॉल स्प्रेड होल्ड करके गए हैं, 17,115 के आसपास बाय किया हुआ था हमारा, क्योंकि वो प्रॉफिट में था इसलिए हमने होल्ड किया है, वरना हम नहीं इसको होल्ड करते। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, वो आपका हैज है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेकेड बाय है, नेकेड बाय नहीं, हैज है, तो अपना लॉस भी अपना लिमिटेड ही है उसमें अगर नीचे भी जाता है तो। ठीक, अभी हम बात करें तो वन डे के चार्ट पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि वन डे का चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, इनडिसिसिव कैंडल है, मतलब टोटली आपका मार्केट ने, सबसे बेस्ट ट्रेड होता है ऐसी मार्केट में, सबसे बेस्ट ट्रेड बता रहा हूँ, ट्रेड ना करना। ठीक है, ट्रेड ना करना ही इज द बेस्ट ट्रेड होता है आज के दिन, जैसे आज का दिन था। ठीक है, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, सप्लाई एरिया, जब भी आने वाले टाइम में भी अगर ये क्रॉस करके जाता है तो वापस से ये एक बार सपोर्ट का एरिया बन जाता है। ये रेंज आ रही है 17,200 के आसपास, वेयर एज अगर वापस से इसका लोड तोड़ेगा तो मार्केट अगेन नीचे की तरह आपको रिटेस्ट करने लगेगी आज का, अगर नीचे क्लोजिंग दे जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।